अस्सलाम वालेकुम। छोटी छोटी कहानियों के साथ स्पेनिश सीखने के एक और सेगमेंट के साथ मैं हूँ गास अकरम। आज हम देखेंगे अपनी जो कहानी मेन जो हमने शुरू की हुई है दानियल की, जो कि अपनी बहन के साथ इंग्लैंड से बार्सिलोना आया हुआ है। वहाँ पे कुछ उसके साथ मामला पेश आए हैं जो हमने पहले दो चैप्टर्स में देखेंगे देखे थे। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 और देखते हैं कि हमें कौन सी नई जो चीजें हैं वो दानियल दिखाता है, जो कि अपने दोस्त अरमांडो के पास आया हुआ है। तो पिछली कहानी में आप लोगों ने जो जवाब दिए थे तकरीबन सब के जो है ना वो ठीक थे, तो आज की कहानी के बाद भी इंशाल्लाह आपको मैं 5 क्वेश्चंस एंड पे छोड़ूंगा, जो कि आप अगर कहानी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा उनका जवाब देना। तो कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा, आपको कहानी कैसी लग रही है, ये तरीका स्पेनिश सीखने का आपको पसंद आ रहा है या नहीं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की कहानी का, आज के चैप्टर का, जो कि है कैपिटुलो 3, कैपिटुलो 3 ला कारेतेरा, चैप्टर 3 ला कारेतेरा मतलब सड़क। इससे ये लगता है कि आज की जो कहानी है ये सड़क के इर्द गिर्द घूमेगी। शुरू करते हैं। मैं डेस्पियर्टो ई मेदूचो, मैं जागा और मैं नहाया। Pido el desayuno por teléfono y como con tranquilidad. Teléfono que zariye maine nashta mangwaya aur aram se khaya. Me visto, maine kapde pehne. Salgo de mi habitación, main apne kamre se nikla y veo la hora en un reloj del pasillo. Aur maine time dekha gali ki ek ghadi pe. Son las 10 de la mañana, subah ke 10 baj gaye the. Antes de salir del hotel, hotel se niklne se pehle, me pregunto si mi madre ha hablado con Julia. To maine apne aap se pucha, me pregunto, que kya jo meri maa hogi, wo usne Julia se baat ki hogi. Mi hermana es una persona muy nerviosa. Meri jo behan hai, wo ek bahut hi nervous banda hai. Espero que esté bien. Umeed karta hu ki wo ठीक ही होगी। Cuando llego a la entrada del hotel, जब मैं होटल के मेन गेट पे पहुंचा, veo a dos trabajadores llevando cajas a un camión. तो मैंने दो वर्कर्स को देखा जो के ट्राले की जानी कुछ कहास कुछ डिब्बे ले जा रहे थे। En el camión hay un dibujo con el nombre de la compañía. जो ट्रेला था उस पे एक पिक्चर थी जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ था। Me empiezo a reír muy alto. तो मैं बहुत जोर से या बहुत ऊंची आवाज में हंसने लगा। Como en el restaurante, जैसा कि रेस्टोरेंट में मैं हंसा था। Pero me doy cuenta pronto y me callo para no hacer mucho ruido. लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया या मैंने रियलाइज कर लिया, तो मैं बहुत जल्द जो है ना वो कायर हो गया। मैं कायो मतलब मैं चुप हो गया ताकि ज्यादा शोर ना हो। El dibujo del camión es de la compañía, जो वहां पे पिक्चर थी ट्रॉले पे वो थी कंपनी जिसका नाम था ला पाइया लोका। Me acerco a uno de los trabajadores para hablar con él. मैं एक वर्कर के नजदीक गया उससे बात करने के लिए। Hola, me dice, उसने मुझे hola कहा। Buenos días, señor, le respondo. मैंने उसे जवाब दिया, Buenos días, señor. ¿Qué desea? ¿Tú me qué चाहिए? ¿Es usted trabajador de un restaurante de Barcelona? ¿Que आप बार्सिलोना के एक रेस्टोरेंट के वर्कर हैं? No, yo trabajo de transportista. नहीं, मैं एक ट्रांसपोर्टर का काम करता हूँ। ¿Conoce usted el restaurante? ¿तो क्या आप रेस्टोरेंट को जानते हैं, इस रेस्टोरेंट को जानते हैं? सी कादा सेमाना llevamos arroz para la paella, pero no trabajo allí. हाँ, मैं जानता हूँ, हर हफ्ते हम चावल लेके जाते हैं जो पाइया है इनकी जो डिश है उसके लिए, लेकिन मैं वहां पे काम नहीं करता। El transportista entra en el camión, जो वो वर्कर था जो ट्रांसपोर्टर था वो ट्राले में दाखिल हुआ। Y yo me quedo pensando, और मैं सोचता ही रह गया। ¿Cómo puedo volver a Barcelona? मैं बार्सिलोना वापस कैसे जा सकता हूँ?
Necesito una solución. Mujhe ek is cheez ka ek hal chahiye. Tengo que volver al apartamento de Armando. Mujhe Armando ke arm jo apartment hai wahan wapas jana hai. Julia me está esperando. Julia mera wait kar rahi hai. Tengo una idea. Mere paas ek idea hai. Señor, disculpe. Maaf kijiyega, le digo al señor, al transportista. To maine wo transporter tha jo ट्रालर चलाता था या ट्राले वाला जो था उसको मैंने कहा दीमे जोवेंसितो बताओ नौजवान क्या बात है पोदरिया उस्तेद ये बार में हस्ता बार्सिलोना क्या आप मुझे बार्सिलोना ले जा सकते हैं औरा इस वक्त सी हाँ एल ट्रांसपोर्टिस्टा दूदा जो ड्राइवर था वो सोचने लग पड़ा या शक में पड़ गया हस्ता के फिनालमेंटे मैं रेस्पोंडे और आखिरकार उसने मुझे जवाब दिया वाले ठीक है puedes entrar detrás del camión तुम ट्राले के पिछली साइड पे इंटर हो सकते हो entre las cajas de arroz जो चावल के जो डिब्बे हैं उनके दरमियान pero no se lo digas a nadie लेकिन किसी को भी नहीं बताना gracias शुक्रिया de nada welcome chico rápido tenemos que salir ya जल्दी करो क्योंकि हमें निकलना है entro en la parte trasera del camión y me siento entre dos cajas de arroz. मैं जो ट्राला है उसके पिछले दरवाजे से एंटर हुआ और दो डिब्बों के दरमियान बैठ गया. El camión arranca. जो ट्राला था वो चल पड़ा. Y sale rumbo a Barcelona और वो बार्सिलोना की जानिब चल दिया. No veo nada. मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था. Solo oigo el motor del camión. सिर्फ और सिर्फ मुझे कामियों की ट्राले की मोटर की आवाज आ रही थी y los coches de la carretera और सड़क पे जो गाड़ियां थी उनकी algo se mueve कुछ हिल रहा है entre las cajas de arroz hay una persona जो डिब्बे थे चावलों वाले उनमें एक बंदा था कोई था उसमें hola digo मैंने कहा hola hay alguien allí कोई है वहां पे silencio otra vez फिर से खामोशी पेरो यो से कि आई यू ना पर्सोना एंट्रे लास कासास लेकिन मुझे पता था कि ये जो डिब्बे हैं इनके दरमियान कोई बंदा है मैं लेवांतो ई आंदो अस्तागी मैं खड़ा हुआ और वहां तक चल दिया के सरप्रेसा क्या सरप्राइज था मेरे लिए एस उन होम्ब्रे वियेहो ये एक बुजुर्ग आदमी था किन एस उस्ते सेन्योर आप कौन है जनाब Déjame en paz, chico. Mujhe mere hal pe chhod do. Bacche, ¿qué hace aquí? Tum yahan pe kya kar rahe ho? Ya aap yahan pe kya kar rahe hain? Viajo hacia Barcelona. Main Barcelona ki janib safar kar raha hu ya ja raha hu. ¿Sabe el transportista que usted está aquí? Kya driver ko pata hai ki aap yahan pe hain? No lo sabe. Usko nahi pata. Entré en el camión mientras tú hablabas con él. Main yahan enter hua jab tum uske sath baat kar rahe the. El transportista detiene el camión y se baja de él. Jo driver tha, wo trolley usne trala roka aur usse niche utar aaya. El hombre viejo me mira preocupado. Jo buzurg aadmi tha, wo mujhe dekh raha tha pareshani ki halat mein. ¿Por qué ha parado? उसने कामियों क्यों रोका? No lo sé. मुझे नहीं पता. Hay ruido en la puerta trasera del camión. जो ट्राले का पिछला दरवाजा था वहां पे कोई बातचीत हो रही है, कोई शोर शराबा है. Tengo que esconderme, dice el hombre. मुझे छुपना होगा, वो बुजुर्ग बोला. El transportista entra en el camión y me ve solo a mí. जो ड्राइवर था वो एंटर हुआ ट्राले में और उसने सिर्फ मुझे देखा एल होम्ब्रे वियेहो एस्टाबा एस्कोंडिडो एंट्रे लास काजास बुजुर्ग आदमी डिब्बों के दरमियान छुपा हुआ था के पासा की मैं प्रेगुंता यहां पे क्या हो रहा है उसने मुझे पूछा नो पासा नादा कुछ भी नहीं कोन किएन हब्लाबास तुम किस के साथ बात कर रहे थे यो कोन नादिए मैं किसी के साथ भी नहीं estoy solo aquí मैं यहां पे अकेला हूं no lo ve
नजर नहीं आ रहा। Aún no hemos llegado, chico. अभी हम नहीं पहुंचे। नौजवान, no hagas ruido, शोर मत करो। No quiero problemas, मैं मुश्किल में नहीं पढ़ना चाहता। Entendido, समझ गए। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लड़के ने कहा होगा Entendido, समझ गया। ज्यादा ज्यादा इसी के चांस है। Entendido, समझ आ गई मुझे। El transportista cierra la puerta trasera del camión y vuelve al volante. जो ड्राइवर था उसने कमियों का जो दरवाजा है वो बंद किया और वापस स्टेरिंग पे चला गया। बोलांते कहते हैं स्टेरिंग को। En ese momento, उस वक्त, el hombre viejo sale de entre las cajas y me mira con cara sonriente. वो बुजुर्ग आदमी डिब्बों के दरमियान से निकला और मुझे देखने लगा मुस्कुराते हुए। Menos mal, no me ha visto. शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। मैं जी से उसने मुझे कहा। दिगा में सेन्योर, बोले जनाब, पोर के व्याखा उस्तेद, आप क्यों सफर कर रहे हैं। क्या सवेर लो, क्या तुम जानना चाहते हो। सी पोर सुपुएस्तो, बिल्कुल मैं जानना चाहता हूं। ते कोंतारे कोन उना पेकेन्या हिस्टोरिया, मैं तुम्हें बताऊंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ। Adelante, por favor. Shuru kijiye, meherbani. El hombre viejo me cuenta su historia. Buzurg aadmi mujhe apni story sunata hai. Yo tengo un hijo. Mera ek beta hai. No lo conozco. Main use nahi janta. Hace muchos años su madre y yo estuvimos juntos. Bahut saal pehle uski maa aur main ikatthe the. Pero yo fui a trabajar a otro país. Lekin main kaam ke liye kisi aur mulk chala gaya. Hace poco tiempo, kuch arsa pehle, me enteré de dónde están. Mujhe pata chala ke wo kahan hain. En Barcelona? Barcelona mein? Eso es, bilkul. ¿Qué edad tiene su hijo, señor? Aapke bete ki kya umar hai, janab? Tiene 24 años. वो 24 साल का है। La misma que yo? बिल्कुल मेरी ही उसकी एज है। El hombre viejo ríe. जो बुजुर्ग आदमी था वो हंसा। Qué curioso. Sí lo es. बिल्कुल ऐसे ही है। Después de unos minutos de silencio, खामोशी के कुछ मिनट्स के बाद, me levanto para estirar las piernas. मैं अपनी टांगें सीधी करने के लिए उठा। Y le pregunto al hombre. और मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, ¿Cómo se llama su hijo? आपके बेटे का क्या नाम है? Se llama Armando. उसका नाम Armando है. Tiene un apartamento en Barcelona. Barcelona में उसका एक अपार्टमेंट है. Vive cerca del restaurante La Paella Loca. La Paella Loca जो रेस्टोरेंट है उसके नजदीक रहता है वो. Por eso viajo en este camión. इसी वजह से मैं इस ट्राले में सफर कर रहा हूं। Le miro al hombre viejo, मैं उसे देख रहा था, उस बुजुर्ग आदमी को देख रहा था, sin pestañear, अपनी पलकें चिपकाए बगैर। No podía creérmelo, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। और इसके साथ हमारा आज का चैप्टर, हमारी आज की कहानी इख्तिताम पजीर हुई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस जिनका आपने जवाब देना है कमेंट्स में। ओबियामेंटे, ये पांच क्वेश्चंस हैं, अभी आपको नजर आ रहे हैं। Armando से despierta alas, el transportista del camión, dentro del camión Daniel se encuentra con, la persona del camión viaja porque, el hijo del hombre se llama, और इन क्वेश्चंस का आपने जवाब देना है। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी, आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।